मेरा फिल्म में मेरठिया गैंगस्टर में मेरा नाम है अमित, जो कि शकुनी बाद में उसको रखा गया है। हर कैरेक्टर का अपना अपना एक चीज़ रखी गई है। शकुनी इसलिए रखा गया है इसको क्योंकि ये हर जगह पर जो है बीच में जाके आग लगाता है, कहीं ना कहीं पर फंसवाता है अपने दोस्तों को, दोस्ती पे मरता है लेकिन दोस्तों को फंसवाता है। तो आपने अगर आप फिल्म देखोगे तो इसमें जितने भी थप्पड़ पड़ते हैं मेरे दोस्तों को, वो मेरी वजह से पड़ते हैं। तो इसलिए शकुनी जो है उसने, जिशान ने इसको रखा। किरदार मेरा बहुत अलग है। अभी तक जो मैंने फिल्में की हैं, चिल्लर पार्टी जैसे आपने देखी है, तो चिल्लर पार्टी में मेरा लड़की जैसी आवाज़ थी, तो वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, वो डिफरेंट कैरेक्टर था। कोशिश रहती है क्योंकि हम लोग थिएटर से, तो हम लोगों ने वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिलते थे, हम लोग जद्दोजहद करते रहते थे, उसमें मज़ा आता था। आज के टाइम में भी ऐसा चल रहा है, आज की जो फिल्में, कई बार क्या होता है आदमी एक टाइप कास्ट हो जाता है। मेरी ये कोशिश है कि मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहूँ। हर कोई फंसता है, हर एक्टर इस चीज़ में फंसता है। डीडे आई, डीडे में अलग चीज़ थी। मेरठिया गैंगस्टर में बहुत कुछ अलग है कि आप, एक तो सबसे पहले मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए मेरे जहाँ की जो, जैसे मेरठ हरियाणा ये सब लोग बिल्कुल पास पास पड़ते हैं, तो वो जो जो जोन है उसका, लैंग्वेज का, वो बहुत अच्छा है। मतलब मेरे से, मेरे लिए काफ़ी आसान था उस चीज़ को करना। जयदीप है, जयदीप के लिए मेरे लिए काफ़ी आसान रहा उस चीज़ को करना। बट वो फ्लेवर बहुत अलग है, हरियाणा का फ्लेवर अलग है, मेरठ का बहुत ही, मतलब बोलते हैं कि लठमार है, लेकिन वो लठमार नहीं, उसके अंदर भी प्यार है, सारी चीज़ें। मेरठिया गैंगस्टर इसलिए अलग है क्योंकि एक तो चीज़ ये दोस्ती के ऊपर है, पूरी कहानी दोस्ती के ऊपर। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, गैंगस्टर्स की भी बनी है, बट इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि हमने शायद एक भी खून नहीं किया होगा। गोली चली है, वो भी लास्ट में कहीं जाके चलती हैं, बोतलें फूटती हैं, 100% फूटती है। बट ये लोग, ये एक डार्क कॉमेडी है, इसमें ये लोग आते हैं, ये पढ़ना लिख के मतलब नौकरी करना चाहते हैं, देन उनके साथ में क्या चीज़ सिचुएशंस रहती हैं, स्थितियां कैसे बदलती हैं, फ्रॉड जैसे, मतलब ये गैंगस्टर्स थे नहीं, बन गए क्योंकि इनको शायद आगे जो है उनके साथ में फ्रॉड हुआ, नौकरी लगना चाह रहे थे लेकिन कुछ चीज़ हुई जिसमें फ्रॉड हुआ, एंड देन ये किडनैपिंग करते हैं। और किडनैपिंग किस तरीके से हंसी मजाक के थ्रू बड़े नेचुरल ढंग से इसको रखा गया, सारे एक्टर्स ने बड़े नेचुरल तरीके से काम करने की कोशिश की है, तो ये इस वजह से थोड़ी सी अलग है।